हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। आई विश कि आप सभी लोगों की लाइफ में ढेर सारी ब्लेसिंग्स, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, लव, सब कुछ आए, सब कुछ आप लोगों की जो भी विश है वो सब कुछ फुलफिल हो। और आज इस ईयर में मैं सबसे पहले रीडिंग करने जा रही हूँ। सबसे पहले रीडिंग तो मैंने अपने लिए की है, इसके बाद आप लोगों के लिए सबसे पहले रीडिंग है मेरी। और आज मैं यहाँ पर चेक करने वाली हूँ आप लोगों के लिए डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन मैसेज, और ये पूरी ईयर के लिए होने वाली है। ओके, मैं पूरी ईयर के लिए ही चेक करने वाली हूँ कि ओवरऑल आप लोगों के लिए क्या है गाइडेंस। और उससे पहले मैं कुछ बताना चाहूँगी, कुछ इस ईयर के बारे में कुछ स्पेशल थिंग्स मैं बताना चाहूँगी, क्यों ये जो ईयर है ये सक्सेसफुल होने वाली है। वेट अ मिनट गाइस, वेट अ मिनट। ओके, तो ये जो ईयर है 2023, इसको इसके अगर अब न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हो तो नंबर आता है नंबर 7, 2 + 2 + 3, 0 को काउंट नहीं करेंगे, तो यहाँ पर हो गया नंबर 7। तो नंबर 7 क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर 7 हम लकी मानते हैं बहुत ज़्यादा नंबर 7 को। एक्चुअली नंबर 7 क्या है? गुड लक आप कह सकते हो, लेकिन एक्चुअली इस नंबर के जो लॉर्ड है केतु महाराज है। तो केतु क्या करता है, मतलब केतु महाराज क्या करते हैं, ये हमें स्पिरिचुअल लाइफ में आगे लेकर जाते हैं। ओके, हमारे स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिट के साथ कनेक्शन, डिवाइन के साथ कनेक्शन, हमारे लाइफ में फेथ, जो बिलीव होता है हमारा स्पिरिचुअलिटी में, डिवाइन पर, ये सब कुछ केतु की वजह से होती है। हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, हमारी सोल जर्नी में आगे बढ़ना, ये सब कुछ केतु की इम्पैक्ट होती है। केतु के असर से हमारे लाइफ में ये सब कुछ आते हैं। तो ये जो ईयर होगी ये लकी तो होगी, स्पेशली जो लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, डिवाइन पर फेथ जिन लोगों का है, जिन लोगों का एनलाइटमेंट हो रहा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है, उन लोगों के लिए बहुत लकी ईयर है। या फिर अगर आप चाहते हो स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना, दूसरों को गाइड करना, आपकी प्रोफेशन ऐसा स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड है जहाँ पर आप दूसरों को गाइड करते हो, तो इस ईयर में मैसिव सक्सेस आपके लिए वेट कर रहा है गाइस। आप लोगों की लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी, और ज़्यादा आप लोग कनेक्ट करेंगे, आप लोगों के यहाँ पर चक्रास हील होंगे, बहुत से लेसन्स आप लोगों के लाइफ में आगे वेट करी है इस ईयर में। और अगर आप न्यूली हो इस जर्नी में, तो भी यहाँ पर आप लोगों के लिए एनलाइटमेंट, जो लोग अभी भी एनलाइटन नहीं हुए हैं, अवेकनिंग से गुजरे नहीं हैं, उन लोगों के लिए अवेकनिंग इस ईयर लेकर आ रही है। ओके, तो इस एस्पेक्ट से मैं कह सकती हूँ, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से ये ईयर बहुत लकी है, बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ न्यू आप लोगों के लिए वेट करा है, बहुत कुछ होने वाला है। आप लोग अगर खुद चाहते हो तो आप जर्नल मेंटेन कर सकते हो कि इस ईयर की स्टार्टिंग आपकी कैसी हो रही है, और आप एंड तक जाकर देख पाओगे कि क्या मैसिव चेंजेस आपके खुद के माइंडसेट में, आपके खुद के लाइफ में आई है, क्या मैसिव चेंजेस आपकी ओवरऑल इस ईयर में आपने गेन की है। ओके, तो इस ईयर की स्टार्टिंग एंड एंडिंग में मेजर डिफरेंस होने वाली है। आप खुद की सोल की ग्रोथ को ट्रैक कर पाएंगे, आप खुद की सोल की ग्रोथ को देख पाएंगे। ओके, तो इस ईयर में मैसिव कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है आप लोगों की लाइफ में, जो आगे वेट कर रही है। ओके, तो इसीलिए मैं सबसे पहले जो रीडिंग है वो करना चाहूंगी कि आप लोगों के लिए गाइडेंस, आप लोगों के लिए गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस क्या है। और नंबर 7 तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी बहुत सारा है। मैंने यहाँ पर आज 7 कैंडल्स इसीलिए जलाए हैं। नंबर 7 की कलर्स होती है रेनबो में, आप लोगों को पता है 7 चक्रास होते हैं, और म्यूजिकल नोट्स 7 होते हैं यहाँ पर इम्पॉर्टेंट। तो नंबर 7 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सब कुछ आप देख पाएंगे, इम्पॉर्टेंट जो भी है नंबर 7 से है। तो इसीलिए ये ईयर भी बहुत इम्पॉर्टेंट होगी, आप लोगों की एनलाइटमेंट होगी, सोल जर्नी में आप लोग ग्रो करेंगे, आप लोग मैसिव चेंज देख पाएंगे इस नंबर 7 की इम्पैक्ट से। ये 2023 में बहुत सारे लोगों की यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है, बहुत सारे लोग अपने आप की हायर सेल्फ तक पहुँचेंगे, हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करेंगे, डिवाइन के साथ प्रॉपरली अलाइनमेंट में आएंगे। ओके, तो चलिए मैं इस ईयर के लिए देख लेती हूँ क्या है गाइडेंस, डिवाइन की क्या है मैसेज, आप लोगों के लिए डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। आज बहुत ही स्पेशल डे है, 1-1 पोर्टल भी है आज, तो देख लेते हैं क्या है मैसेज डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए, क्या मैसेज डिवाइन देना चाहते हैं। वाओ, इस
इससे अच्छी कार्ड हो ही नहीं सकती है। तो डिवाइन की मैसेज यही है आप लोगों के लिए। बैक टू बैक कार्ड्स देखिए, माइंड ब्लोइंग एनर्जी है बॉटम की। देखिए, विश फुलफिलमेंट, ग्रोथ, फ्रेश बिगिनिंग एंड योर हायर सेल्फ। आप जो होने वाले हो आगे इस ईयर के एंड तक, आप जिस पोजिशन में पहुँचने वाले हो, आपकी स्पिरिचुअल एवेकनिंग, डिवाइन के साथ कनेक्शन और साइकिक एबिलिटीज जो एनहेंस होने वाली है आगे, यही दर्शा रही है। तो यस गाइस, डिवाइन की मैसेज यही है कि आप डिवाइन की गाइडेंस को प्रॉपरली फॉलो करें और आगे बढ़े। ओके, आप हाई प्रिस्टस के एनर्जी में आए, आप बैलेंस करें अपनी लाइफ में, बैलेंस लेकर आए। ओके, और जैसे कि मैंने कहा है, ये ईयर हीलिंग भी लेकर आएगी बहुत सारे लोगों के लाइफ में। आपकी इमोशनल और प्रैक्टिकलिटी, इनमें आप प्रॉपर बैलेंस कर पाएंगे। स्पिरिचुअल जो एस्पेक्ट्स है, ये ट्रांसफॉर्म होने वाली है। और डेफिनेटली आप इस ईयर में नॉलेजेबल, वाइज और ज़्यादा हो जाएंगे। आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। यहाँ पर स्पिरिचुअल ग्रोथ दिख रहा है, हैप्पीनेस दिख रहा है, जॉय, स्टेबिलिटी, ये सब कुछ आप लोगों की लाइफ में आने वाले हैं। अगर आप डेली टैरो रीडिंग फॉलो करते हो तो आप लोगों को इस तीनों कार्ड के मीनिंग पता है। बहुत सारा पावर होती है इन तीनों कार्ड में। मेजर कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए, दोनों यहाँ से मेजर अर्काना है। ये पूरी ईयर की एनर्जी है, मतलब पूरी ईयर में आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने वाले हो। आप लोगों की जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो बहुत हद तक बढ़ जाएगी। आप लोगों की जो साइकिक एबिलिटीज़ है वो इस ईयर में एनहेंस होने वाली है। और गाइडेंस आप लोगों के लिए यही है, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखें। इस ईयर में आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, क्योंकि जो भी आप सोचोगे ना कहीं बहुत जल्द वो मैनिफेस्ट हो जाएगी। जो आप सोचने वाले हो ना, वो बहुत जल्द आपकी लाइफ में आ जाएगी। ओके, तो इसीलिए आप लोगों को पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है इस ईयर में। आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलनी है, किसी भी सिचुएशन में आपको बैलेंस फाइंड करनी है। ओके, ये आपको करना है। और डेफिनेटली इस ईयर में आपकी लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस आ रही है और हीलिंग आ रही है। कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है न्यूली अपने ट्विन पार्टनर से मिले, या फिर अपने स्पिरिचुअल जो जर्नी है उसमें फाइंड करें कि उनकी सोल पर्पस क्या है, उनकी सोल मिशन क्या है। ओके, लव लाइफ के लिए बहुत अच्छी आप लोगों के लिए होने वाली है ये ईयर। और साथ में कंप्लीटली आप लोग बैलेंस कर पाएंगे अपने आप को। ओके, बैलेंस होने वाली है इस ईयर में आप लोगों की इमोशनल साइड, प्रैक्टिकलिटी, आपकी फाइनेंशियल लाइफ, आपकी लव लाइफ, ओवरऑल बैलेंस आ रही है, हीलिंग आ रही है इस ईयर में। और डिवाइन की मैसेज भी यही है कि अपने हीलिंग पर सबसे ज़्यादा फोकस करो, स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ो। और अबंडेंस भी आ रही है, तो अपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को भी आप लोगों को बैलेंस करनी है, लव लाइफ में भी आप लोगों को बैलेंस करनी है। ओके, चलिए और देखते हैं और क्या है मैसेज आप लोगों के लिए। क्या है मैसेज आप लोगों के लिए? द बर्डन, कंट्रोल, द मास्टर, कंप्लीशन। बॉटम ऑफ द डेक है नथिंगनेस। ये जो कार्ड है ना, इस कार्ड की जो एनर्जी है मुझे बहुत पसंद है। नथिंगनेस, जब आप इस स्टेट में चले जाते हो जहाँ पर आप में आप प्रॉपर अलाइनमेंट में होते हो डिवाइन के साथ, और आप बस उसी स्टेट को इंजॉय करते हो। ना आपको कुछ चाहिए होता है, ना आपको कुछ एक्सपेक्टेशंस रहती है, कुछ नहीं। नथिंगनेस की स्टेट, जब आप अपने माइंड में कुछ भी थिंकिंग ही नहीं रखते हो, जस्ट आपकी फोकस होती है डिवाइन के साथ कनेक्शन में, आपकी और कोई चाहते नहीं होती है, इस स्टेट को मैं मानती हूँ नथिंगनेस की स्टेट है। जब कम्प्लीटली डिवाइन पर सरेंडर होती है, कम्प्लीटली खुद के साथ कनेक्शन बिल्ड हो जाती है, तब हम इट्स नथिंगनेस की स्टेट पर आते हैं। तो ये बहुत ही हायर एनर्जी है, बहुत हाईएस्ट लेवल की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आए है। तो हो सकता है गाइस, आप में से बहुत सारे लोग बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी फील करें इस ईयर में। ओके, आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत ही फास्ट यहाँ पर होने वाली है। हो सकता है आपके दिल में बहुत से बर्डन है, नेगेटिविटी है आपके दिल में, तो उसको रिलीज़ करें। डिवाइन की मैसेज ये है, इस ईयर में आपको रिलीज़ करनी है नेगेटिविटी हो, क्योंकि आप अगर चाहते हो कि खुद को हील करना है तो आपको ज़रूर से नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है। कंट्रोल करना बंद करना पड़ेगा आपको, हर एक सिचुएशन में कंट्रोल आपको करना, हर एक सिचुएशन में लॉजिक का यूज़ करना,
क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा है, इसको फाइंड करने की कोशिश करना, इसको आपको बंद करना है। अगर आप ये कर रहे हो खुद की एनलाइटमेंट के लिए तो यहाँ पर सही है, लेकिन सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हो तो यहाँ पर आपको खुद को बैलेंस करनी है। ओके, अगर पास्ट कुछ कैरी फॉरवर्ड हुआ है इस ईयर में, मतलब 2022 से, या फिर आपके पास्ट के एक्सपीरियंस अगर आपके लाइफ के साथ आगे बढ़े हैं, तो डिवाइन यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं, जो बर्डन आप दिल पर रख रहे हो, जो बर्डन आप अपने सोल के ऊपर लेकर जा रहे हो आगे, उसको रिलीज करो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ सरेंडर कर दो पूरी तरीके से। डिवाइन की मैसेज ये है, आगे आपको कुछ भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ को लेकर आपको ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की, सोचने की, वॉरिड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ। ओके, आपको कंप्लीशन की एनर्जी में आना है, आपको कंप्लीट फील करना है, आप खुद हो, आप खुद इस लाइफ को क्रिएट कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको इस नथिंगनेस की स्टेट पर आनी होगी, तब जाकर आप समझेंगे कि आपकी सोल पर्पस क्या है, सोल मिशन क्या है, तब जाकर आप आगे बढ़ेंगे एंड तभी आप इस अबंडेंस को अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप कंट्रोलिंग एनर्जी में हो सकता है गाइस आप कुछ चाहते हो लेकिन डिवाइन आपके लिए कुछ और प्लान कर रहे हैं, उससे भी कई गुना ज़्यादा बेहतर आपके लिए कुछ प्लानिंग डिवाइन की है, लेकिन आप स्टक हो, आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, तो इस वजह से वाइब्रेशन मैच नहीं हो रही है, इस वजह से आपकी लाइफ में हो सकता है ग्रोथ नहीं आ रही है, चाहे वो आपके करियर वाइज हो, लव लाइफ में हो, स्पिरिचुअलिटी में हो, कहीं पर भी हो सकता है, हेल्थ वाइज भी हो सकता है, कि डिवाइन की बहुत अच्छी प्लान है लेकिन आप उस प्लान को देख नहीं रहे हो, आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, तो डिवाइन पर सरेंडर करें। डिवाइन की मैसेज यही है, कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर आए, पास्ट की बर्डन को रिलीज कर दे कम्प्लीटली, फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहे, अगर किसी ने आपको हर्ट किया है, कुछ भी किया है, न्यू ईयर में उसको लेकर नहीं जाना है, माफ़ करे सबको और अपने आप को हील करे, रिलीजिंग एनर्जी में रहे नेगेटिविटी को, ओके, और कम्प्लीट फील करे कि आप में, आप कंप्लीशन की एनर्जी में हो, डिवाइन आपके सपोर्ट में है, आप इनफ कैपेबल हो, आप सब कुछ कर सकते हो, ओके, आप मास्टर हो अपनी लाइफ की, आप ऑलरेडी डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो, आप में सब कुछ है, कोई कमी नहीं है आप में, इसको फील करें और सारे बर्डन को, नेगेटिविटी को, जो भी है आप में रिलीज कर दे, ओके, और देखते हैं चक्रा से क्या है मैसेज आप लोगों के लिए। एक्सेप्टेंस, तो एक्सेप्टेंस की एनर्जी को आपको मेंटेन रखनी है। हो सकता है गाइस आप लोग वर्थी फील नहीं कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आप इनफ वर्थी नहीं हो, तो डिवाइन की मैसेज यही है कि शायद अभी आप जिस सर्कल में हो वहाँ पर आपको कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, आपको वर्थी नहीं, आपकी वर्थ नहीं समझ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप में डिवाइन की एनर्जी नहीं है, आप में भी खुद भगवान है, आपकी भी सोल पर्पस है, मिशन है। हो सकता है करेंटली आप जहाँ पर हो वहाँ पर आपको वैल्यू नहीं किया जा रहा है, लेकिन डिवाइन खुद आपको ये कह रहे हैं कि आप इनफ वैल्यूएबल हो, आप जब यहाँ पर आए हो आपकी पर्पस है और आप इस, आपकी जो एनर्जी है ये यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, आपको ज़रूरत है यहाँ पर, आपकी बहुत हायर पर्पस है। अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हो, मुझे यहाँ पर लग रहा है गाइस आप लोग फ्यूचर में एक ऐसे पोजीशन में पहुँचेंगे ना जिसकी आपने कभी इमेजिनेशन भी आपने की नहीं की है, ओके, आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि आप इतना हायर पोजीशन में कभी जाएंगे। तो यही प्रॉब्लम है, अपनी वाइब्रेशन को रेज करें एंड देखने की कोशिश करें, आपकी लाइफ में हो सकता है जो स्ट्रगल है वो आपको कुछ लेसन देने के लिए है, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, उसको देख नहीं पा रहे हो, इसीलिए स्ट्रगल चल रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप खुद की वर्थ को फील करना स्टार्ट करेंगे और तभी आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएगी। आपके लिए वेट कर रहा है ये, देखिए ये चेयर, ये पोजिशन, ये आपके लिए वेट कर रहा है, डिवाइन से ये प्रोवाइडेड है। करेंटली हो सकता है आप किसी ऐसे सर्कल में हो, करेंटली आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको वर्थी नहीं मानते हैं, लेकिन आप सबसे पहले समझो, आप खुद की वर्थ को समझो, आपकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है दूसरों को, आप कितनी ज़्यादा नीडेड हो, इसको समझिए, ओके, और अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में ही स्ट्रगल है, आपकी लाइफ में ही प्रॉब्लम है, इसको सोचना बंद कर दे, डिवाइन की ये मैसेज है। न्यू ईयर में कोई भी नेगेटिव थिंकिंग आपको लेकर नहीं जानी है, ओके, आप में, आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल इसलिए नहीं है कि आप दुखी हो जाओ, आप रो, इसलिए आपकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं है। आप तो लीडरशिप, देखिए यहाँ पर भी चेयर की पोजीशन है, यहाँ पर मास्टर है, यस गाइस आप लोग लीडर हो, आप लोगों में लीडिंग क्वालिटीज़ है और आप लोग लीड करने आए हो दूसरों को,
तभी आप इतने ज़्यादा देखिए साइकिक एबिलिटीज़ आपकी इन्हेंस होने वाली है, तभी जाकर आप लोग इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आप दूसरों को लीड करने वाले हो, सिखाने वाले हो, ओके आपकी पोजीशन बहुत हाई होने वाली है, दूसरे आपको फॉलो करेंगे। तो जब तक आप दूसरों की पेन को नहीं समझेंगे, जब तक आप खुद रिफाइन नहीं होंगे, आपकी सोल रिफाइन नहीं होगी, आपकी सोल स्ट्रगल में से गुजर कर नॉलेज विजडम ये सब गेन नहीं करेगी, तब तक आप दूसरों को लीड कैसे करोगी। तभी आपके लाइफ में इतने ज़्यादा स्ट्रगल दिए गए हैं। तो विक्टिम मेंटेलिटी से बाहर आइए, विक्टिम बिल्कुल भी ना सोचिए अपने आप को विक्टिम। आप ऐसा सोचिए कि मेरे लाइफ में मुझे बहुत बिग कुछ करना है। आप ये समझिए कि आपके लाइफ में बहुत हायर पर्पस है आपके लिए, और एक्सेप्ट करें आप में, अगर हो सकता है आप में कोई फ्लॉ है जिसको आप मानते हो फ्लॉज, उसको एक्सेप्ट कर ले, ओके आप इसी के साथ ही आगे बढ़ सकते हो। आप इनफ कैपेबल हो, और डिवाइन की प्रेजेंस आपके साथ हमेशा है, ओके डिवाइन की प्रेजेंस ऑलवेज आपके साथ है। और करंट जो भी सिचुएशन है आपके लाइफ में, उसको एक्सेप्ट करें, सबसे पहले एक्सेप्ट करें, नेगेटिविटी रिलीज करें, विक्टिम मेंटेलिटी से बाहर आए, अपनी वर्थ को समझें और अपनी लाइफ में आगे बढ़े। जब तक आप एक्सेप्टेंस की एनर्जी में नहीं आते हो, तब तक आप हील भी नहीं कर पाते हो कंप्लीटली। तो बार बार यही मैसेज निकल कर आ रहे हैं कि आपकी पोजीशन बहुत हाई होने वाली है, आप दूसरों को लीड करने वाले हो सकता है तभी आपके लाइफ में थोड़े स्ट्रगल डिवाइन ने दी है, या फिर हो सकता है बहुत ज़्यादा ही आपके लाइफ में स्ट्रगल है, लेकिन ये सिचुएशन ट्रांसफॉर्म होने वाली है, ओके और आपको अपने आप को एक्सेप्ट करनी है, हील करनी है और अपनी लाइफ में आगे बढ़नी है, ओके ये मैसेज है आप लोगों के लिए डिवाइन की तरफ से। चलिए और देखते हैं और क्या है गाइडेंस आप लोगों के लिए। यस गाइज, ये ईयर आप लोगों की लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग लेकर आ रही है। आप ऑब्जर्व करेंगे, बहुत कुछ देखेंगे, आपकी पर्सपेक्टिव चेंज होने वाली है लाइफ को लेकर। आपकी जो पर्सपेक्टिव है आपकी लाइफ में हर एक एस्पेक्ट्स को लेकर, जो आपकी थिंकिंग है, ये मैसिव वे में ट्रांसफॉर्म होने वाली है, और डिवाइन की प्लानिंग से ये सब कुछ हो रहा है। डिवाइन खुद चाहते हैं कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ो, आपका जो हार्ड वर्क है वो पे ऑफ हो आपकी लाइफ में, आप जिस पर्पस के लिए आए हो उस पर आप वर्क करो, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो। ये ईयर आप लोगों की लाइफ में एनलाइटमेंट लेकर आ रही है, यही मैसेज यहाँ से निकल कर आ रहे हैं। आप लोगों की लाइफ में ग्रोथ लेकर आ रही है। तो यहाँ पर आपको पास्ट की कोई भी नेगेटिविटी को लेकर आगे नहीं जानी है। आपको कम्प्लीटली फ्री होकर ओपन योर सेल्फ टू रिसीव अबंडेंस, ब्लेसिंग्स एंड नॉलेज, विजडम, आपको इस एनर्जी के साथ आगे बढ़नी है। वाओ द टेम्पल पाथ, वाओ गाइस। तो ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस ईयर में आप लोगों की होने वाली है। आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने वाले हो, डिवाइन के साथ कनेक्टेड होने वाले हो, नॉलेज विजडम आप लोगों की एनहांस होने वाली है। हो सकता है कभी कभी ओवर थिंकिंग करो, लेकिन इस एनर्जी को आपको बैलेंस करनी है, ओवर थिंकिंग से बचनी है आपको, प्रॉपरली बैलेंस करना है आपको, नेगेटिविटी से बाहर आना है। हो सकता है डीप थिंकिंग भी आप लोग करो अपनी पर्पस को लेकर, अपनी सोल मिशन को लेकर, ऐसा भी हो सकता है। ओवरऑल देखिए सारे कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं कि आप लोगों की जो स्ट्रगल है आपको समझ में आएगी कि क्यों आपके लाइफ में स्ट्रगल है। इस ईयर की स्टार्टिंग से एंडिंग तक आप पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, आपकी साइकिक एबिलिटीज एनहांस होगी, चक्रास बैलेंस होंगे, और चक्रास में यहाँ पर मुझे लग रहा है आप लोगों की सैक्रल चक्रा, हार्ट चक्रा, बेस चक्रा, ये तीनों चक्रा मैसिव लेवल पर वर्क करने वाली है इस ईयर में, बैलेंस होगी। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके क्राउन चक्रा एंड आपके थाड़ाई चक्रा, इन दोनों पर भी वर्क होने वाली है। बहुत स्ट्रांग दिख रहा है आप लोगों की हार्ट चक्रा बैलेंस होने वाली है। आप लोग ओपन अप करेंगे खुद को लव रिसीव करने के लिए। ये मेजर चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं। चलिए देख लेते हैं कि डिवाइन की तरफ से गाइडेंस और क्या होने वाली है, मैसेज क्या है डिवाइन की तरफ से। फेलो ट्रेवलर्स, सपोर्ट इज ऑल अराउंड यू। वाओ, तो मैंने कहा ना डिवाइन की सपोर्ट, देखिए यहाँ पर भी डिवाइन की प्रेजेंस दिख रहा है इस कार्ड में, और ये डिवाइन खुद आपके साथ है, आपकी लाइफ में आपकी पाथ पर आपको ग्रो करने में हेल्प करी है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है इम्पास, रिफ्लेक्ट एंड रीडायरेक्ट योर एनर्जी। तो आपकी एनर्जी इस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ होने वाली है आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग पर। हो सकता है कभी कभी आप फील करो कि आपके रास्ते में बहुत से ऑब्स्टिकल हैं, आपके रास्ते में आगे, हो सकता है आप स्पिरिचुअल लाइफ में तो आगे बढ़ो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि रास्ते में आपके बहुत से बाधाएं आए, तो आप फील करेंगे कि
रास्ते में ऑब्स्टिकल ज़रूर है, लेकिन डिवाइन खुद यहाँ पर आपके रास्ते क्लियर भी करेंगे। अगर आप डेडिकेटेड रहते हो जिस तरफ आपको जानी है, तो डिवाइन खुद यहाँ पर सपोर्ट करेगी। तो यहाँ पर आप इस ईयर में ऐसा होगा कि आप पाथ्स को फाइंड करेंगे, आप हार नहीं मानेंगे। अगर कुछ वे में आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो आप दूसरे वेज को ट्राई करने वाले हो, फिर से अपनी एनर्जी को आप गेन करने वाले हो और दूसरे वे में ट्राई करने वाले हो, ग्रो करने वाले हो। आप रुकने नहीं वाले हो इस ईयर में, ये आप लोगों में मेजर शिफ्ट होने वाली है। और देखते हैं और क्या है आप लोगों के लिए मैसेज। डिनाइल, आई एक्नॉलेज माई फियर बट आई रिप्लेस इट विथ द इंसाइट ऑफ अवेयरनेस। तो इस ईयर में आप लोग सेल्फ अवेयर भी होने वाले हो। हो सकता है पास्ट में आप बहुत कुछ डिनाई करते थे, आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, लेकिन इस ईयर में आपकी जो फियर है, आप में जो इनसिक्योरिटी है, ये रिलीज होगी। और डिवाइन खुद कह रहे हैं कि डिनाइल की एनर्जी से बाहर आओ, एक्सेप्ट करो अपनी ट्रूथ को, एक्सेप्ट करो और इसको रिप्लेस करो, अपनी फियर को रिप्लेस करो अवेयरनेस से। हम उस चीज़ से डरते हैं जिस चीज़ को लेकर हमें क्लैरिटी नहीं होती है, हम इनफ नॉलेज नहीं होते हैं, हमें इनफ नॉलेज नहीं होते हैं, हमें उस चीज़ को लेकर हम फियर की एनर्जी में रहते हैं। जब कुछ न्यू होता है, जब कुछ अननोन होता है, तभी हम फियर की एनर्जी में रहते हैं, हम स्टक हो जाते हैं, हम खुद को शेल में लेकर चले आते हैं। तो इस फियर की एनर्जी से आपको बाहर आनी है, खुद को ओपन अप करनी है, और जितना आप नॉलेज विजडम लेंगे ना, जितना आप ग्रो करेंगे, उतना आप एवर होते जाएंगे। तो डिवाइन की मैसेज यही है आप लोगों के लिए कि इस ईयर में आपको डिनाइल की एनर्जी से बाहर आनी है और आपको ग्रो करनी है, आपको सेल्फ एवर होनी है। ओके, लोनलीनेस, आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। वाओ, तो अगर आप में से कुछ लोगों के ये फीलिंग्स है कि आप लोनली हो, आप अकेले हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो अकेले ही, तो डिवाइन की मैसेज यही है कि आप अकेले नहीं हो, आपके पास डिवाइन की सपोर्ट है, डिवाइन खुद आपको सपोर्ट दे रही है, डिवाइन की प्रेजेंस आपके साथ है। ओके, आपकी सोल जर्नी में डिवाइन की प्रेजेंस आपको हमेशा फील होगी। ओके, इस ईयर में आपकी कनेक्शन डिवाइन के साथ और स्ट्रांग होगी, आप मिरेकल्स को देखेंगे इस ईयर में, आप लोग मिरेकल्स को देखेंगे। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। अगर आप कॉन्फिडेंट रहते हो, अगर आप मेंटेन करते हो इस एनर्जी को, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी। लुक एट द बिगर पिक्चर, आपको इस ईयर में कुछ बिग ही करनी है, कुछ बड़ा ही सोचना है। विक्टिम मेंटेलिटी से बाहर आइए, नेगेटिविटी से बाहर आइए, कुछ बिग सोचिए। लक आपके साथ है गाइस, आप लोग जो सोचोगे ना उसको आप कर भी सकते हो, इनफ कैपेबल आप लोग हो। तो इस बारे में आपको सोचनी है सबसे ज़्यादा कि आप क्या कर सकते हो अपनी लाइफ में। नेगेटिविटी से बाहर आइए और कुछ बड़ा करने के लिए सोचिए। वॉइस ऑफ ट्रूथ, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पज, रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रूथ। तो यहाँ पर मैसेज गाइस आप लोगों के लिए यही है, आपको ट्रूथ बोलनी है। हो सकता है आप खुद से ही झूठ बोल रहे हो, आपके पास नॉलेज विजडम ये सब कुछ आ रहा है, लेकिन आप खुद को सच नहीं बोल पा रहे हो। कर्मा क्लिनसिंग हो सकता है गाइस, रिलीजिंग है। आपके लाइफ में कर्मा है कुछ पेंडिंग, जो आप पास्ट से लेकर आए हो, उसको आप आगे लेकर जा रहे हो। तो डिवाइन की मैसेज ये है कि आपकी कर्मा को आपको रिलीज करनी है। किसी भी सिचुएशन में होल्डिंग एनर्जी में आपको नहीं रहना है, हमेशा सच बोलिए। कर्मा के रिगार्डिंग भी हो सकता है कि आप, हो सकता है किसी नेगेटिव अटैचमेंट में हो, आप ऐसे कुछ बर्डन लाइफ में लेकर आगे बढ़ रहे हो जो आपकी पर्पस के साथ जुड़ी नहीं है। तो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि सच को देखो, सच को समझो, जो सच्चाई है आपके सामने है, लेकिन हो सकता है कि आप देख नहीं रहे हो, और इसीलिए हो सकता है आपकी लाइफ में डिले भी बढ़ रहा है, आपकी लाइफ में स्ट्रगल भी बढ़ रहा है। तो इस न्यू ईयर में आपको खुद को सच्चाई बोलनी है, जो आपके पर्पस के साथ कनेक्टेड नहीं है, जिस सिचुएशन में आप खुश नहीं हो, जिस ईयर में आपकी सोल की ग्रोथ नहीं हो रही है, जो थिंकिंग आपको होल्ड बैक कर रहा है, जो थिंकिंग आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, उस थिंकिंग से आपको बाहर आनी है। खुद सच बोलिए सबसे पहले। ग्रैसोवर स्पिरिट, टेक अ लीप ऑफ फेथ। वाओ, माइंड ब्लोइंग एनर्जी है गाइस। तो इस ईयर में डिवाइन खुद कह रहे हैं कि आपको लीप ऑफ फेथ लेकर आनी है, अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आनी है, आपकी लाइफ में आपको चेंज लेकर आनी है। क्लेम योर इंडिपेंडेंस,
कैट स्पिरिट. वाओ गाइस, आप लोगों के लिए पावरफुल मैसेज है. आप लोगों को इस ईयर में इंडिपेंडेंट होनी है, इमोशनली फाइनेंशियली. आपको हर एक इस एरियाज में खुद को इंडिपेंडेंट बनानी है. आपको कोडिपेंडेंट एनर्जी से बाहर आनी है और सेल्फ लव प्रैक्टिस करनी है, खुद को हील करना है. ओके, और मेजर ट्रांसमिशन, लीप ऑफ फेथ, मतलब पावरफुल कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपको लेकर आनी है अपनी लाइफ में. डिवाइन पर फेथ रखिए, डिवाइन पर आपको ट्रस्ट रखनी है और ये स्पिरिचुअल लाइफ में आपको ग्रो करनी है. डिवाइन की यही मैसेज है. और जब तक आप खुद को बर्डन से रिलीज नहीं करेंगे, जब तक आप पास्ट की कर्मा से आपको रिलीज नहीं करेंगे, जब तक आप में होल्डिंग होंगे, जब तक आप दूसरों की बर्डन लेकर चलेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे. तो डिवाइन ये कह रहे हैं कि पास्ट की ईयर की जो भी बर्डन है आपकी लाइफ में अभी भी, मतलब 2023 के पहले, आज की डेट से पहले, जो भी आपकी लाइफ में बर्डन है, जो भी नेगेटिविटी है, उन सब को रिलीज करो. डीप ब्रेथ लो और सब रिलीज करो. वर्क करो अपने लाइफ में आगे, फ्यूचर को बिल्ड करने में वर्क करो, अपनी प्रेजेंट को एंजॉय करो और साथ में अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो करो. मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आओ अपनी लाइफ में. डिवाइन की मैसेज यही है. कॉन्फिडेंट रहो और अपनी सोल मिशन को कंप्लीट करो. ओके, सोल मिशन आपका फाइनेंशियल लाइफ से भी जुड़ा हुआ हो सकता है. गाइस, आप लोग जो इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, मुझे लग रहा है आप लोगों की हीलिंग क्वालिटीज भी है, आपकी साइकिक एबिलिटीज भी है और साथ में आप लोग लीड करने आए हो दूसरों को. तो देखो आप कैसे लीड कर सकते हो दूसरों को, या फिर हीलिंग क्वालिटीज भी हो सकती है, आप दूसरों को हील कर सकते हो. तो देखो कैसे हील कर सकते हो. आपकी लाइफ में स्ट्रगल कैसी है, किस एरिया से आपकी लाइफ में हमेशा से स्ट्रगल आए हैं, उसी एरियाज में आपको मास्टरी अचीव करनी है और उसी के रिगार्डिंग आपको दूसरों को फॉलो लीड करनी है. ओके, ये मैसेज आप लोगों के लिए आज के दिन में है, आज के स्पेशल डेट पर डिवाइन की तरफ से. आस्क योर एंजल्स, एंजल मैसेज यही है. अगर कभी भी आप कंफ्यूज्ड होते हो, कभी भी आपको ऐसा लगता है कि इम्बैलेंस एनर्जी है, कभी भी आपको लग रहा है कि नेगेटिविटी है आपकी लाइफ में, तो तब आप एंजल्स से डायरेक्टली पूछ सकते हो. डिवाइन प्रेजेंस आपके साथ है, एंजल्स की प्रेजेंट आप लोगों के साथ है. आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो और आप लोगों की पर्पस भी बहुत हाई है. Ask for help from others. तो आप डिवाइन से भी पूछ सकते हो, आप एंजल से भी पूछ सकते हो. आपको सपोर्ट मिलेगी, हेल्प मिलेगी इस ईयर में. देखिए यहाँ पर भी था, आपको इस ईयर में सपोर्ट मिलेगी डिवाइन से. इस ईयर में आपको ग्रोथ के लिए, जब आप स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ेंगे ना, आपको ऐसा फील होगा पूरी यूनिवर्स आपको हेल्प कर रही है आगे बढ़ने में. ओके, अगर कोई ऑब्स्टकल भी आती है ना, डिवाइन खुद उस ऑब्स्टकल को क्रिएट करेंगे. आप में अगर डेडिकेशन होती है कि आप आगे जरूर बढ़ेंगे, तो डिवाइन खुद ही उस ऑब्स्टकल को हटाने वाली है. ओके, खुद ही क्रिएट करेंगे, खुद ही रिलीज करेंगे, ऐसी एनर्जी है. मतलब आपकी टेस्टिंग होने वाली है इस ईयर में. लेट गो, कुछ नेगेटिविटी अगर है लेट गो करें. ओके, और आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है इस ईयर में. दूसरों से रिकॉग्निशन मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी, दूसरों से आपको अप्रिशिएशन मिलेगी. इस ईयर में मैसिव चेंजेस आने वाली है. ओके, डिवाइन की मैसेज, आई होप कि मैं क्लियरली पहुंचा पाई हूँ आप लोगों तक. अगर आप लोगों को इस रीडिंग से कोई गाइडेंस मिली है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा. वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.